अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मरियम सुल्तान और आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर फहीम उस्मान सुहेली, नेफ्रोलॉजी कंसल्टेंट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल में। जी सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, जी मैं ठीक। जी, आज हम डॉक्टर फहीम उस्मान सुहेली के साथ एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है क्रॉनिक पीपी डिजीज, आसान अल्फाज में गुर्दों की दायमी बीमारी। जी सर, क्रॉनिक पीपी डिजीज क्या है? जी डॉक्टर मरियम, क्रॉनिक किडनी डिजीज या CKD या फिर आप उर्दू में इसको गुर्दों की दायमी बीमारी भी कह सकते हैं। इसको आप आसान अल्फाज में इस तरह समझ सकते हैं कि गुर्दों का परमानेंट तौर पे या मुस्तकिल तौर पे खराब हो जाना, यानी गुर्दे अगर जितना खराब हो गए आप वो परमानेंटली उसी हालत में रहेंगे या वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो सकते, वो एक इरिवर्सिबल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, तो ये एक इतनी खतरनाक बीमारी है, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? जी, इसकी काफी वजूहत है जिसमें सबसे कॉमन डायबिटीज मेलिटस है, जैसे ब्लड शुगर जो बढ़ती है लोगों को, और आपने देखा है कि वो कितनी कॉमन हो गई है डायबिटीज। इसी तरह नंबर टू कॉज इसका हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन की वजह से भी लोग CKD में चले जाते हैं। और आपको पता है डायबिटीज और हाइपरटेंशन इस वक्त हमारे माशरे में बहुत कॉमन है, हर तीसरे चौथे बंदे को डायबिटीज या हाइपरटेंशन है और इसी वजह से CKD का इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है। नंबर थर्ड कोज रीनल स्टोन डिजीज है, यानी गुर्दों में पथरियों का बढ़ना। चौथा कोज ये है कि बार बार किडनी का, ब्लैडर का या पेशाब का इन्फेक्शन होना, जो कि खासतौर पर फीमेल्स में बड़ा कॉमन है। उसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रिटिक सिंड्रोम जो कि क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करते हैं और CKD कर देते हैं, ये भी एक गुर्दे के अंदर की बीमारी है, गुर्दे की फिल्टर की बीमारी जिससे CKD हो जाता है। इसके अलावा क्रॉनिक इंटरस्टीशियल नेफ्राइटिस भी गुर्दे के अंदर की बीमारी है जो कि बड़ा कॉमन कॉज है। इसके अलावा मोटापा भी CKD करता है। और इसके अलावा आजकल जो हमारे माशरे में बहुत कॉमन हुआ है दर्दों की गोलियों का बेजा इस्तेमाल, लोग दर्दों की गोलियां बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसमें NSAIDs एक ग्रुप है, जिसमें डाइक्लोरान, ब्रूफन, नाइस, नीम्स इस तरह की गोलियां आती हैं, इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं जिससे ये CKD के बीमारी में मुबतला हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ देसी मेडिकेशन या हकीम मेडिकेशन जो लोग यूज करते हैं जिन पे कोई रिसर्च नहीं है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है हमारे माशरे में क्रॉनिक किडनी डिजीज का। इसके अलावा कुछ थैलियां गुर्दे में बनती हैं या कुछ बचपन से कुछ बीमारियां होती हैं जो भी गुर्दे की CKD की वजह बनती है। डॉक्टर फहीम, हमें कैसे पता चलेगा कि मरीज को जो गुर्दे की बीमारी हो रही है वो दरअसल क्रॉनिक किडनी डिजीज ही है या फिर कुछ और? जी डॉक्टर मरियम, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इन मरीजों को भी और आम जो हमारी अवाम है उनमें भी इसकी अवेयरनेस, उनको पता लगे कि वो किस तरह की बीमारी है क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसके अलावा हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी कई दफा थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये क्रॉनिक किडनी डिजीज है कि ये समवर्ट कुछ और है। तो जब गुर्दे खराब होते हैं उसके लिए हम कुछ टेस्ट करवाते हैं जिनमें गुर्दे के फंक्शन का टेस्ट होता है जिसे रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं। इसमें यूरिया और क्रिएटिनिन करवाते हैं। जब यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ते हैं इसका मतलब है रीनल फंक्शन टेस्ट खराब हो गया। अब जो इसे हम RFT रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं, अब इनका खराब होना जरूरी नहीं है कि ये CKD की वजह से हो, इसकी वजह कुछ और भी होती है, लाइक एक्यूट किडनी इंजरी जो कि एक गुर्दों की आर्जी बीमारी है जो कि जिसमें गुर्दे बाद में वापस भी आ जाते हैं, हम नॉर्मल भी हो जाते हैं। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, ये CKD है कि एक्यूट किडनी इंजरी है? इसके लिए हमने ये देखना है कि ये RFEs कितनी देर से डिरेंज है या खराब है, यानी कि अगर इनको 3 मंथ से इनका दौरानिया ज्यादा हो गया है कि ये यूरिया क्रिएटिनिन बढ़े हुए हैं तो फिर हम आंखें बंद करके कह देंगे कि इस पेशेंट को CKD है। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं पेशेंट्स का। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, अल्ट्रासाउंड में अगर गुर्दे सुकड़ गए हैं या छोटे हो गए अपने साइज से तो ये भी हम जो है साइन है CKD का कि हम कह देते हैं कि अब ये पेशेंट को CKD होगी। अब किडनी का साइज नॉर्मली 8.5 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर होता है। अगर 8.5 सेंटीमीटर से दोनों गुर्दे कम हो गए और साथ उसका RFTs जो है वो बढ़े हुए हैं तो हम फिर आंखें बंद करके कह देंगे कि इस पेशेंट को CKD है। इसके अलावा हम यूरिन का भी टेस्ट कराते हैं और भी कुछ टेस्ट हैं जो कि क्लू होते हैं CKD के, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो CKD ही हो। लेकिन ये जो दो साइन मैंने आपको बताए हैं कि 3 मंथ से ज्यादा RFTs डिलेड होना और अल्ट्रासाउंड में छोटे गुर्दे होना,
इनको देख के हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, कुछ और नहीं है। अच्छा सर, क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में किस तरह की अलामत आती है? जी जी डॉक्टर मरियम, असल में क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में जो अलामत आती है, सबसे पहले तो ये होता है कि उनको सोज पड़ती है। सबसे पहले आंखों की इनकी सोज पड़ना शुरू हो जाती है। पेशेंट सुबह के टाइम उठता है, उसकी आंखें सूजी होती हैं। इसके अलावा पाँव में सोज पड़ती है, पेट फूल जाता है, पेशाब वाली जगह पे सोज पड़ जाती है। इसके अलावा उसकी छाती में पानी पड़ सकता है या पूरा जिस्म सूज सकता है। इसके अलावा पेशेंट को सांस खराब हो जाता है। कई दफा वो कहते हैं मैं थोड़ा सा चला और मेरा सांस खराब हो गया, या लेटने से सांस खराब होता है उसका। बार बार रात के टाइम खांसी भी आ सकती है, उसको नींद कम आती है, सुबह के टाइम गनूदगी रहती है। कई दफा वो बेहोश हो जाता है, उसको झटके जिसे कहते हैं, उसके हाथ पैर मुड़ जाते हैं। कई दफा ये भी होता है जिससे फिर खारिश होती है, उसको भूख कम लगती है, दिल मतली करता है, या कई दफा उल्टियां आ जाती हैं। ये भी सीकेडी की पहचान है। इसके अलावा उसको ये होता है कि पेशाब कई दफा कम आता है, कई दफा ज्यादा आता है, बार बार आता है, रात को बार बार उठता है। ये भी सीकेडी की एक अलामत है। इसके अलावा उसके खून में कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, खून में तेजाबियत फैल जाती है, या हड्डियां कमजोर हो जाती है। ये भी सीकेडी की एक अलामत में आते हैं। सीकेडी अलामत में ये भी चीजें शामिल है। तो ये सारी चीजें हमें जब इकट्ठे कहीं मिल रही हो या कुछ चीजें इनमें से मिल रही हो तो हमें क्लू मिलता है कि शायद ये पेशेंट की सीकेडी का ना हो, तो फिर हम उसको उनके टेस्ट करवा सकते हैं। अगर किसी को पहले नहीं पता कि उसको ये प्रॉब्लम्स चल रही है तो हम ये टेस्ट करवा लेते हैं। जी व्यूअर्स, आज हमने डॉक्टर फहीम के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन की है। इसके पार्ट टू में हम क्रॉनिक किडनी डिजीज की मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।